बिल्कुल नहीं सर, आप पूरा मामला देखिए, मामला ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर अशांति पूर्वक हम सब मार्च कर रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रैक्टर के निर्देश पर चीफ प्रैक्टर ने आज गोलियां चलाने का प्रयास किया, छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाने का प्रयास किया और उसमें अपने गुंडों से लाठियां चलवाने का प्रयास किया है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान है, अब चुप बैठने का काम नहीं करेगा, इनकी हर बातों का जवाब देने का काम करेगा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल होकर रहेगा। ये किसी भी कीमत पर छात्र संघ बहाली को रोक नहीं सकते। क्या घटना हुई है? देखिए, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ बहाली को लेकर आज आम छात्र कैंपस के अंदर शांति मार्च निकाला था। सांकेतिक रूप से एक गधे को लेकर चल रहा था आगे आगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो गधा बन चुका है, वो मूक बन चुका है, कोई उसके अंदर बेजुबान नहीं है, न छात्रों से बात कर रहा है न कुछ कर रहा है। उसी दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रैक्टर आए और अपने प्राइवेट गुंडों के साथ छात्रों के ऊपर हमला बोल दिए और अपने अवैध असलहे से छात्रों के ऊपर गोलियां चलवाने के काम कर दिए, जिससे इलाहाबाद विद्यालय किसी भी छात्र की जान सकती थी। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री से, प्रदेश के प्रधानमंत्री से, ऐसे गुंडा चीफ प्रैक्टर को इलाहाबाद विद्यालय से तुरंत बर्खास्त करकर और इलाहाबाद विद्यालय के अंदर छात्र संघ बहाली कराया जाए, अन्यथा इलाहाबाद विद्यालय के अंदर किसी भी छात्र के साथ कोई घटना घटती है उसकी पूरी जिम्मेदारी इलाहाबाद विद्यालय के चीफ प्रैक्टर और इलाहाबाद विद्यालय के कुलपति। सर, क्या मामला था जो छात्र हंगामा किए? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में इतनी समय अधिसूचना जारी हो गई छात्र परिषद के चुनावों की। छात्रों का एक ग्रुप जो छात्र संघ के पक्ष में है वो आज विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक जुलूस निकाल रहा था, जिसमें 100-150 लड़के थे। लेकिन इनका जुलूस शुरू में तो शांतिपूर्वक था, लेकिन बाद में ये हिंसात्मक हो रहे थे और ऐसी नारेबाजी कर रहे थे जो कैंपस के गरिमा के अनुकूल नहीं था। इसीलिए पुलिस ने उनको रोका है और सारे लड़के चले गए हैं। कुछ जो 20-25 लड़के हैं छात्र संघ भवन पे वो इकट्ठा हैं। फिलहाल तो सुबह रात की शांति व्यवस्था नहीं है। सर, बल का प्रयोग नहीं हुआ? नहीं, पुलिस ने उन्हें रोका है। बल का प्रयोग ऐसा कोई लाठीचार्ज या इस तरह की पुलिस की तरफ से